दिल्ली में आज शाम को कांग्रेस की एक अहम बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक होगी। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। इस बैठक में राहुल गांधी की सीट छोड़ने पर चर्चा होगी। इस राहुल गांधी 2 सीटों से निर्वाचित हुए हैं, उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड। आज ये तय होगा कि राहुल गांधी वायनाड या रायबरेली में से कौन से सीट में बतौर सांसद बने रहेंगे, और जो नियम है उसके मुताबिक आप संसद के किसी एक संसदीय क्षेत्र के सदस्य हो सकते हैं। तो आज ये तय होगा कि राहुल वायनाड या फिर रायबरेली कौन से सीट के सांसद रहेंगे और कौन से सीट छोड़ेंगे। इसके अलावा लोकसभा में LOP के नाम को लेकर भी चर्चा होगी। पिछले लोकसभा की बात करें तो पिछले लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता होते थे, नेता विपक्ष होते थे। इस बार अधीर रंजन चौधरी बंगाल के बहरामपुर जो जहां से सांसद चुने जाते थे उस सीट से हार गए हैं। तो कांग्रेस ये तय करेगी, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो नेता विपक्ष कौन होगा। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग सकती है, और अगर ऐसा होता है तो 2004 जब से राहुल गांधी की संसदीय जीवन की शुरुआत हुई है 20 साल हो गए, 20-22 सालों में राहुल गांधी की ये पहली बड़ी जिम्मेदारी होगी संवैधानिक तौर पर। पार्टी के अंदर वो कई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं, महासचिव रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अभी तक राहुल गांधी किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष चुने जाते हैं तो नेता विपक्ष का पद एक संवैधानिक पद होगा। तो 2 बड़े फैसले आज शाम कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में हो सकता है। पहला, राहुल गांधी किस सीट से सांसद बने रहेंगे, वो रायबरेली की सीट छोड़ेंगे या वायनाड की सीट छोड़ेंगे। और इसमें एक और अहम सवाल जुड़ जाता है, अगर राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड में से एक सीट अगर छोड़ते हैं जो उनको छोड़ना ही है, तो उस सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। ये भी एक बहुत अहम फैसला है। इन दोनों ही सीटों में जिस सीट को भी राहुल गांधी छोड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा कि इन दोनों सीटों पर में से जो भी सीट राहुल गांधी छोड़ते हैं उनमें से प्रत्याशी कौन होगा। तो उसको लेकर 2 चर्चाएं चल रही हैं। पहली चर्चा कि राहुल गांधी जो भी सीट छोड़ते हैं, जिसमें अभी बात जो अंदर खाने चल रही कि वो वायनाड सीट छोड़ेंगे, तो वायनाड सीट से 2 तरह की थ्योरीज चल रही हैं। पहला, गांधी परिवार से ही कोई उस सीट में उम्मीदवार होगा, यानी प्रियंका गांधी। दूसरा एक थ्योरी ये चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के किसी स्थानीय कार्यकर्ता को वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन पहली थ्योरी थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि वायनाड को गांधी परिवार ने छोड़ा नहीं है, एक मजबूरी है, एक संवैधानिक संकट है जिसका कारण उनको 2 में से किसी 1 सीट को छोड़ना है, तो वायनाड सीट को छोड़ेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी छोड़ेंगे तो उनकी जगह पर उनके परिवार से ही कोई, गांधी परिवार से ही कोई उस सीट का से प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि प्रत्याशी होगा। तो 3 अहम मुद्दे इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने हैं। 2 मामलों को लेकर बातचीत हो सकती है, और हो सकता है कि जो तीसरा मसला है कि राहुल गांधी जिस सीट को भी छोड़ेंगे वहां से प्रत्याशी कौन होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन नेता विपक्ष कौन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, उस पर आज के इस चर्चा में बैठक में बातचीत हो सकती है।